हेलो ब्रो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिनक्स के बारे में। अब पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडो, लेकिन अगर बड़ी बड़ी टेक कंपनीज की बात करें तो वहाँ पर भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता एज कम्पेरिजन टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए ये कुछ कुछ चीजें इंडिकेट करती है कि लिनक्स इज बेटर देन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लिनक्स बेहतर है विंडो से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 5 रीजन जिसकी वजह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के, स्पेशली कोडर्स एंड प्रोग्रामर के लिए। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है फ्री एंड ओपन सोर्स, यानी कि ये बिल्कुल फ्री है और विंडोज की तरह हमें इसकी कोई की या फिर लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। अगर आपको याद हो तो बचपन में हमें मार्केट से पायरेटेड विंडोज सीडीज मिला करती थी जो कि सिर्फ एक या दो माह तक ही ठीक चलती थी और उसके बाद उसमें इश्यूज आने लग जाते थे। बट अगर लिनक्स की बात करें तो इसमें हमें ऐसे इश्यूज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते, क्योंकि लिनक्स को हम फ्रीली इंटरनेट से कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो अब दूसरा रीजन जिसकी वजह से लिनक्स बेहतर है विंडोज से, तो वो है इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि लिनक्स ने बहुत सारे टेस्ट में विंडोज 8, विंडो 10 और इवन के विंडो 11 को भी हराया है। तो अब ये सिर्फ काली लिनक्स ही नहीं बल्कि इसके सभी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हुआ है, फिर चाहे वो लिनक्स मिंट हो, एमएक्स लिनक्स हो, फिडोरा हो या फिर यूबंटू हो एटसेट्रा। तो हर बार ही लिनक्स ही जीता है एज कम्पेरिजन टू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के, और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो सका क्योंकि लिनक्स एक लाइट वेटेड और लेस रिसोर्सेज हैवी होता है एज कम्पेरिजन टू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो तीसरा रीजन जिसकी वजह से लिनक्स बेहतर है विंडो से, तो वो है इसकी सिक्योरिटी। लिनक्स को बेसिकली उसकी ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। जैसे हम विंडो के लिए एक एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, लेकिन ये जरूरत हमें लिनक्स में नहीं पड़ती क्योंकि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिसकी वजह से इसका जो कोड है वो पूरी दुनिया में लाखों डेवलपर्स को अवेलेबल है। तो वो क्या करते हैं कि इसके कोड में जो कोई भी छोटे मोटे लूप होल्स होते हैं, यानी कि जो उसके कोड में गलतियां होती हैं, उसको टाइम टू टाइम फिक्स करते रहते हैं। और अब यही वजह है कि जो लिनक्स के लिए वायरस या मालवेयर होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी जो इसको अटैक कर पाते हैं एज कम्पेयर टू विंडो। अब ऐसा नहीं है कि विंडो सिक्योर नहीं है, लेकिन अगर लिनक्स के कंपैरिजन देखें तो हम लिनक्स को ज्यादा सिक्योर मानते हैं इन द टर्म ऑफ सिक्योरिटी। इसी के साथ अगर आप कोई कोडर्स हो या प्रोग्रामर्स हो या फिर अगर आपने बेसिक कमांड भी सीखी है, यानी अपने कंप्यूटर साइंस के कोर्स में, तो फिर आप बहुत ही इजीली लिनक्स के पूरे सिस्टम को अंदर से खोल के रख सकते हो, यानी कि सिस्टम के अंदर कौन सा डाटा अंदर आ रहा है और कितना डाटा बाहर जा रहा है और कौन से नेटवर्क से आप कनेक्टेड हैं और इवन कि आपका सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये सभी आप लिनक्स के अंदर बहुत ही इजीली देख सकते हो क्योंकि लिनक्स एक ट्रांसपेरेंट है जिसकी वजह से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही इजीली देख सकते हो। बट एक चीज की आपको टेक्निकल नॉलेज जरूर होनी चाहिए, और अब इसके लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे या फिर आपको वेबसाइट पर बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप सीख कर लिनक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो कि अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। और अब रीजन नंबर 4 जिसकी वजह से लिनक्स बेहतर है विंडोज से, वो है टेक्निकल नॉलेज। देखो, अब अगर आपको लिनक्स को यूज करने के लिए आपके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप इसको बिल्कुल एक सिंपल विंडोज सिस्टम की तरह भी यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको एक प्रोग्रामर या कोडर बनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब अगर उन लोगों की बात करें जिन लोगों को लिनक्स एडवांस लेवल तक सीखना है या फिर जिनको लिनक्स के इन जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखना है, क्योंकि लिनक्स के अंदर हर छोटी छोटी चीज कस्टमाइजेबल होती है, यानी कि आप हर चीज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। इसलिए जब भी आप एज अ बिगनर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नया नया सीखते हो तो लिनक्स आपको एक टूल किट प्रोवाइड करता है जिससे आप डिफरेंट टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और आप उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को करके नई से नई चीजें बना सकते हो। अगर इवन कि हम डाउनलोड का एग्जांपल लें तो विंडो के अंदर हम सिंपली डाउनलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, लेकिन लिनक्स आपको सिखाता है कि किस तरह पैकेजेस की फॉर्म में डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में डाउनलोड होते हैं एंड देन वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या हैकिंग के बारे में यानी इन जनरल एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट है तो आपको लिनक्स जरूर यूज करना चाहिए ताकि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकें और एक्सपीरियंस कर सकें। और अब रीजन नंबर 5 जिसकी वजह से लिनक्स बेहतर है विंडो से, तो वो है उसकी कम्युनिटी और उसका सपोर्ट। देखो, अगर आप एक न्यू प्रोग्रामर हो या फिर न्यू यूजर हो जो कि लिनक्स पर नया नया आया है, तो शायद ही कोई ऐसा आर्टिकल होगा जो कि आपके बेसिक सिंपल क्वेरी को सॉल्व ना कर सके। और इवन कि अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे या फॉर्म ज्वाइन करेंगे तो अगर आप वहां जाकर कोई बेसिक डाउट भी पूछते हो तो कोई ना कोई कम्युनिटी में ऐसा मिल ही जाएगा जो कि आपका वो डाउट सॉल्व कर देगा, क्योंकि लिनक्स की कम्युनिटी बहुत वाइब्रेंट है और उसमें टाइम टू टाइम न्यू मेंबर्स ऐड होते रहते हैं जो कि नए नए आइडियाज के साथ आते हैं। और इसी के साथ लिनक्स के लिए लिनक्स फाउंडेशन है जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम सिर्फ यही है कि वो लिनक्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और उसको स्टैंडर्डाइज करे और साथ ही साथ उसको फ्री भी रखे और टेक्निकली भी उसको एडवांस रखे एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब ये थे कुछ रीजन जिसकी वजह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है एज कम्पेयर टू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो अब और भी बहुत सारे रीजन है बट ये कुछ मेजर रीजन है। तो अब आपका फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।